जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम औसत के सवालों को हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि औसत एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के सवाल आते हैं। यहाँ पर मैंने जो इसका बेसिक है, बेसिक टाइप के सवाल लिए हैं, तो जब तक आपको बेसिक जो है, बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक आप इसके आगे के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे इसका जो स्टैंडर्ड है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर से देखना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर औसत के तीन सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला सवाल है 5, 8, 13, 12 और 16 का हमें क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर दशमलव की संख्या दी हुई है, इनका भी हम औसत निकालेंगे। इसी प्रकार से यहां पर एक दूसरा टाइप का सवाल है, इसका भी हम औसत निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि औसत आखिर होता क्या है। ठीक है, तो औसत होता है कि देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप मान लीजिए किसी दिन 500 रुपया कमाते हैं दिन का, मान लीजिए किसी दिन आप 1000 कमाते हैं, किसी दिन आपने 1500 कमा लिए, किसी दिन आपने 1000 कमाए। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप मंथली कितना कमाते हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे कि कभी 500 कमाता हूँ, कभी 1000, ऐसे तो नहीं बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसका एवरेज बताएंगे कि भाई मैं मंथली इतना कमा लेता हूँ। तो वो एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक दिन आपने 500 कमाए, ठीक है, एक दिन मान लीजिए आपने 1000 कमाए, ठीक है, इसी प्रकार से एक दिन मान लीजिए आपने 300 कमाए। ठीक है, अब भाई बिजनेस होता है तो फिक्स तो है नहीं, आप ऐसे ही कमाते हैं। तो आप मान लीजिए तीन दिन का आप उनको बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और तीन से भाग लगा देंगे, जो भी आएगा उसको हम बता देंगे कि भाई मैं इतना कमाता हूं। ठीक है, तो ये होता है औसत। ठीक है, चलिए तो अब हमारे जो सवाल है इनको हम सॉल्व करते हैं। औसत आप समझ गए कि किस प्रकार से क्या होता है औसत। ठीक है, तो हमारा पहला जो सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर औसत निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, औसत बराबर, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, औसत। ठीक है, औसत बराबर, ये क्या है, ये पूरे आंकड़े हैं। ठीक है, ये आंकड़े हैं, ये किसी चीज की कोई संख्या हो सकती है, या फिर मान लीजिए कोई इनकम हो सकती है आपकी पर डे की। तो यहां पर हमें कितने आंकड़े दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आंकड़े दिए हुए हैं। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, देखिए औसत का फार्मूला, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे आंकड़ों का योग। ठीक है, ऊपर जो है वो क्या आएगा, आंकड़ों का योग। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या है, देखिए ये आंकड़े हैं, हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, इनकी संख्या यानी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 5 का हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर देखिए पहला आंकड़ा क्या है, 5 प्लस, दूसरा है 8, तो यहाँ पर आ गया 8 प्लस, तीसरा है यहाँ पर कितना, 13, तो ये आ गया 13 प्लस, यहाँ पर फिर इसके बाद में है 12, तो ये आ गया 12 प्लस, इसके बाद में है 16, तो ये आ गया 16। ठीक है, आंकड़ों का योग, तो हमने ये क्या कर दिया, आंकड़ों का योग कर दिया। अब बटे में क्या है, आंकड़ों की संख्या, तो बटे में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आंकड़ों की संख्या, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं, तो बटे में लिख दीजिए 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो इनको जोड़ते हैं, तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हासिल आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5, तो यहाँ पर हो गया ऊपर 54, नीचे कितना है, 5। ठीक है, तो आंकड़ों का योग हमारा कितना आ गया है, 54, और बटे में कितना है, 5। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, आप डायरेक्टली या तो 5 से काट दीजिए, नहीं काटना आता है तो 5 से आप भाग लगा दीजिए। देखिए कैसे 5 से काटेंगे, तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5, अब यहाँ पर 4 है तो 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाकर इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 8 40, ये 40 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो हमारा आंसर निकल कर कितना आ गया है, 10
दशमलव आठ, ये हमारा आंसर आ गया है पहले वाले सवाल का। देखिए कितना आसान है, इतने ही आसान तरीके से आप किसी भी औसत के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरे वाले को करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, इसको मिटा देते हैं। तो पहले वाले से आप समझ गए होंगे कि इसका तरीका क्या है, ठीक है। अब दूसरे वाले को हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे में भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये पहला आंकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें चार आंकड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, आंकड़ों का योग, ठीक है। ऊपर हम लिखेंगे आंकड़ों का योग, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आंकड़ों का योग, और बटे में क्या आता है, आंकड़ों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर आ जाती है संख्या, ठीक है। अब जो फार्मूला बोल रहा है वही हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए ये जो आंकड़े हैं इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, 0.3, ठीक है, इसके बाद में प्लस क्या है, इसके बाद तीन है, तो ये आ गया तीन, प्लस इसके बाद में है 0.03, तो ये आ गया 0.03, फिर इसके बाद में क्या है 0.002, ठीक है, तो ये आ गया 0.002। इसको इस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.002, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे आंकड़ों को लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके बटे में आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4 आंकड़े हैं, तो इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो दशमलव की संख्याएं होती हैं इनको जोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको एक लाइन में लिखेंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहां पर, देखिए सबसे पहले क्या है, 0.3, ठीक है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर क्या है, 3 है, तो ये आ गया 3, ठीक। फिर इसके बाद में क्या है, देखिए 0.03, तो दशमलव के नीचे ही आएगी, क्या है 0.03, ठीक है। फिर से अगली संख्या क्या है, 0.002, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.002। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो ये 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 है तो ये भी 3 आएगा, और यहाँ पर क्या है 0.03 है, तो ये 3 आएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी। मतलब इन आंकड़ों को जोड़ने के बाद में क्या आया है, 3.332 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3.332, और बटे में कितना है, ये 4 है, तो बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, हमें 4 से इसमें भाग लगाना है। 4 से भाग कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर भाग लगाने का बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दशमलव है ना, इसको आप अभी इग्नोर कर दीजिए, डायरेक्टली आप भाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 4 से आप 33 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, यहां पर 33 है तो 4 × 8 = 32, ठीक है। तो इसको हम काट रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4 × 8 = 32, 33 है तो एक बचेगा, यहां पर कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा, 4 × 3 = 12, फिर से एक बचेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12, फिर से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, और यहाँ पर 4 × 4। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1, 2, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 अंक के बाद लगा दीजिए, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया भैया 0.833 या फिर 0.833, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 0.833। आप चाहें तो ये 0 ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो तीसरा वाला है इसको और करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले सवालों से, तो उनको इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, 40, 10, 25, 20, 35 और एक्स का औसत 25 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, औसत का जो फार्मूला है वो क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग कर लेते हैं, आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x,
एक्स भी आंकड़ा ही है एक्स भी, तो हम यहां पर एक्स को भी जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में बटे में क्या आ जाएगा, यहां पर कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें औसत कितना दिया हुआ है 25, तो यहां पर बराबर में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बराबर का 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले इकाई इकाई वालों को जोड़ेंगे, फिर दहाई दहाई वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स है, तो एक्स को तो अलग हटा देते हैं क्योंकि एक्स तो इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई का ये है 5, ये 0, ये फिर 5, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, तो 10 की आ जाएगी 0 और हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4 और 2 हो जाएंगे 6, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 13। ठीक है, अब ये तो हमने जोड़ लिए, ये प्लस में x है, तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और बटे में कितना है, यहाँ पर 6 है, तो ये 6 हो गया। मतलब कि हमने इन सभी को जोड़ के यहाँ पर लिख लिया 130, ये हमारा x है और बटे में 6 है, और बराबर में क्या है, 25, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में हमारा 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 6 है इसके भाग में है, तो यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 6 = 30 की आ जाएगी 0 और हासिल आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसके बाद में 6 × 2 = 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15, यानी 150 आ जाएगा हमारा इसमें गुणा करने के बाद। ठीक है, इसके बराबर में यहाँ पर क्या है, 130, तो ये हो गया 130 प्लस ये हो गया हमारा एक्स। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो 130 है इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो चलिए भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 150 तो पहले से है लेकिन ये यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आकर काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, देखिए ये हो गया हमारा 150। ठीक है, 130 को भी इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 130। ठीक है, और बराबर का इस तरफ क्या है, x है, तो ये बराबर आ जाएगा x। ठीक है, अब घटा लेते हैं, तो देखिए 150 में से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे, डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर 20 बचेंगे, और ये हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा कि भैया x का जो मान है वो 20 है। तो इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से औसत निकाला जाता है। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल और बेसिक सवाल थे, इसके बाद में हम कुछ इसके हाई लेवल के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।